नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस नई वीडियो में। बड़ी जानकारी देने वाले हैं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को लेकर। वीडियो को पूरा देखिए, उसके पहले अगर आप चैनल पर नया हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सकें। दोस्तों सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइटों को निकल कर आ रही है। आपको बताना चाहेंगे काफी सारे लोग ऑस्ट्रेलिया के फ्लाइटें देख रहे हैं और उनको लगातार ये उम्मीद है कि जो ऑस्ट्रेलिया से वो फ्लाइटें कब शुरू होंगी इंटरनेशनल। तो आपको बताना चाहेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, यहाँ पर जो धीरे धीरे करके है वो इंटरनेशनल फ्लाइटें अब शुरू होने लगी है। सबसे पहला जो देश है उसका नाम निकल कर आया वो है जर्मनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले जर्मनी के साथ जो है अपनी इंटरनेशनल फ्लाइटों को स्टार्ट करने जा रहा है। यहाँ पर एक ट्रायल बेसिस के तौर पर फ्लाइटें स्टार्ट की जा रही हैं और धीरे धीरे देखा जाएगा कि क्या पैसेंजर्स हैं और फ्लाइटें चालू होने से क्या केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बाद और अदर कंट्रीज के लिए शुरू किया जाएगा। आपको बता दें अप्रैल एंड तक यहां पर ऑस्ट्रेलियन एयरलाइन जो है क्वांटस एयरलाइन, उसने कहा है कि भारत से भी ऑस्ट्रेलिया के लिए उड़ाने हैं वो शुरू की जा सकती है। दूसरी बड़ी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपको बताना चाहेंगे झारसुगुड़ा से चेन्नई के बीच में जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं अभी तक नहीं चलाए जा रहे थे क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक नहीं था, पर अब धीरे धीरे चीजें सुधर रही हैं और झारसुगुड़ा से चेन्नई के बीच में जो फ्लाइटें हैं उनको शुरू किया जाएगा। ये फ्लाइटें 28 मार्च से शुरू की जाएंगी। वहीं दोस्तों अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें लगातार एयर इंडिया को प्राइवेटाइजेशन करने के लिए बात चल रही है, गवर्नमेंट लगातार प्रयास कर रही है पर पोटेंशियल बिडर नहीं मिलने के कारण एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन अभी तक अटका हुआ है। आपको बता दें मार्च के एंड तक एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन को लेकर बड़ी जो खबर है वो मिल सकती है और मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि एयर इंडिया मार्च के एंड तक जो है वो प्राइवेटाइज हो जाए। वहीं सबसे लास्ट में अपडेट की बात कर लेते हैं, जो कि यहाँ पर छोटे से एयरपोर्ट दरभंगा एयरपोर्ट से निकल कर आ रही है। तो सब आपको बताना चाहेंगे दरभंगा एयरपोर्ट पर अभी कुछ दिनों पहले ही ऑपरेशन चालू हुए हैं फ्लाइटों के डोमेस्टिक और यहाँ पर अब धीरे धीरे करके जो ट्रैफिक है उसको बढ़ाया जा रहा है। और आपको बता दें कि दरभंगा से अब जो डेली है वो 12 उड़ानें ऑपरेट होने लगी हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अब दरभंगा से रोज की 12 फ्लाइटें आ जा रही हैं। तो ये है सारी अभी तक की बड़ी और लेटेस्ट अपडेट। कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए। बाकी क्वारंटीन से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।